हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11th कॉमर्स बीके लेक्चर. करंटली वी आर इन चैप्टर नंबर 5, दैट इज सब्सिडी बुक, एंड वी हैव कंप्लीटेड विथ रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच इज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो कंप्लीटेड विथ कैश बुक इटसेल्फ. टुडे वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक, दैट इज पेटी कैश बुक, व्हिच इज ऑन पेज नंबर 138 इन योर टेक्स्ट बुक. सो लेट अस स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक पार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. पेटी कैश बुक, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पेटी, पेटी कैश बुक. तो जनरली जो कैश बुक हम लोग बनाते हैं वो इन एंड ऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कैश बुक के बारे में हम बात कर रहे थे, बट हमें पता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके लिए हम बार बार अपर अथॉरिटीज को बात नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में कोई विजिट करने के लिए आया है और वो विजिट करने के लिए आया तो हमें कोई टी एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं. अभी टी एक्सपेंसेस के लिए आप मैनेजर को जाके बात नहीं करोगे, राइट है? तो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए एक स्लैब बना दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कौन से अथॉरिटी से परमिशन लेकर के वो एक्सपेंडिचर आप कर सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि अगर 1 रुपी से 1,000 रुपीज तक का जो एक्सपेंडिचर होगा वो किसी सुपरवाइजर के हाथ में दे दिया. किसके हाथ में दे दिया? सुपरवाइजर. कि कुछ भी ऐसा जो डिसीजन होगा वो सुपरवाइजर को लेकर के देना है, ठीक है? 1,000 से लेकर के 5,000 का जो होगा वो हमने वहां के जो अकाउंटिंग स्टाफ है या अकाउंट मैनेजर, ठीक है, उसके हाथ में दे दिया, ऑफिस का जो अकाउंट मैनेजर है. और ऐसे स्लैब बढ़ते रहता है. सपोज 5,000 से 50,000 तक का जो एक्सपेंडिचर है वो हमने ब्रांच मैनेजर को दे दिया, बराबर है? और वैसे स्लैब बढ़ता रहेगा. तो ये अथॉरिटी हमने डेलीगेट की है. तो जो छोटे मोटे एक्सपेंडिचर हमने जिसको डेलीगेट किए हैं उसे हम बोलते हैं पेटी कैशियर. क्या बोलते हैं? पेटी कैशियर. सो पेटी कैशियर को क्या होता है, मंथ में एक अमाउंट हमने दे दिया. फॉर एग्जांपल, हम उसके हाथ में रख देंगे 1,000 रुपीज. आपका जो कुछ भी एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर आप कीजिए, छोटे मोटे खर्चे, आपका चाय का खर्चा, आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हो जाता है थोड़ा बहुत, रिक्शा का, टैक्सी का, है ना, या ऑफिस में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कभी सेलो टेप लाना हो गया, जो इररेगुलर है, मतलब बहुत ही कम ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, बट होते हैं छोटे मोटे खर्चे, ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो इन स्मॉल स्मॉल एक्सपेंडिचर, जैसे किसी को लेटर सेंड करना है तो पोस्टर स्टैंप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 200, 400, 500, 800 आ गया, वो पे करना है, ठीक है ना? तो ऐसे जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए पेटी कैशियर को हम अथॉरिटी दे करके रखते हैं और उसको बोलते हैं एक बुक मेंटेन करना, विच इज नोन एज पेटी कैश बुक. गॉट माय पॉइंट? तो ये जो पेटी कैश बुक होता है ये पेटी कैशियर का बुक है. मतलब ऐसा कैशियर जिसको एक अथॉरिटी दी गई है कि इतने से इतने अमाउंट तक के डिसीजंस आप ले सकते हो, खर्चे आप कर सकते हो, तो बार बार मुझसे आकर पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? महीने के स्टार्टिंग में हम ये अमाउंट आपको दे देंगे, फिर सपोज महीने के एंड में आपके पास से 700 रुपीज स्पेंड हो गए और आपके पास बचा कितना, 300. तो नेक्स्ट मंथ में मैं फिर से आपको कितना दे दूंगा, 700 दे दूंगा, तो आपके पास 1,000 रुपीज हो जाएगा, फिर से आपका रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो ये क्या होता है, साइकिल चलते रहता है. गेटिंग इट? सो लेट अस रीड नाउ. इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द अकाउंटिंग वर्क इज डिवाइडेड सिस्टमेटिकली. There are various departments spending small amount on stationery, postage and telegram, refreshment, carriage, etc. The person maintaining petty cash book is known as petty cashier. इसके बारे में मैं आपको बता रहा था. He is known as petty cashier, जो petty cash book को maintain करता है, ठीक है ना? The petty cashier is given certain amount by the main cashier as an advance. तो हम starting of the month में कुछ advance उसे दे देते हैं at the beginning of the every month. From which all petty expenses are paid and recorded by petty cashier. The term petty is derived from the French word petit. Petit.
ठीक है ना। तो पेटिट ये जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल जो खर्चे होते हैं उसको पेटी कैश बुक में लिखे जाते हैं। सो दिस बुक इज मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी पेड बाय चेक, जो आप चेक से पे नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ठीक है, अब पेटी कैश बुक को मेंटेन करने का भी दो टाइप होता है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक या एनालिटिकल कॉलमनर पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक में इंफॉर्मेशन आप कम प्रोवाइड करते हो, लेकिन जहां पर एनालिटिकल होता है कैश बुक वही प्रिपेयर करना है, बट आपको सारी चीजें को सेग्रीगेट करना है, बराबर है। अभी सिंपल कैश बुक में आपने कुछ एक्सपेंडिचर को मिक्स करके बोल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस, बट एनालिटिकल या कॉलमनर पेटी कैश बुक में क्या होगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने पोस्टेज पे खर्चा किया या आपने कैरियज पे खर्चा किया या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्चा किया, मोबाइल बिल पे किया या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कहाँ पैसा आपने दिया है, वो आपको वहां पर प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पर डेट दिया है, डिटेल दिया है और अमाउंट दिया है, ये तीन कॉलम का बहुत ही सिंपल तरीके से पेटी कैश बुक बनाया है। आपको डेट मेंटेन करना है और आपको जब भी पैसा मिल रहा है आप लिखोगे रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, पेड टेलीफोन चार्जेस, पेड फॉर मोबाइल चार्जेस, परचेस्ड ऑफिस फाइल्स, गेव टिप टू प्यून, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ऐसे ही आपको एक्सपेंडिचर मेंटेन करना है और लास्ट में क्या कर लेना है, टोटल कर देना है, ठीक है ना। तो जनरली ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन का सोल्यूशन आप क्या करोगे, पहले आप एक साइड में लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड, फिर डेट का कॉलम आ जाएगा, पर्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा, आपको बनाना लेजर फोलियो नंबर और फिर टोटल अमाउंट पेड। तो वन साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप अमाउंट रिसीव लिखेंगे और राइट हैंड साइड में आप अमाउंट पेड लिखेंगे, बराबर है। तो वो जो ट्रांजेक्शन हमें ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए थे, अब जहां पर हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसको आप टू से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे टू, और जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो हर बार क्या लिखेंगे बाय। सो पेमेंट कहां कहां पे किया हमें देखिए, स्टार्टिंग में मिल गया 1200 रुपीज जो हमने यहां पर रिसीव्ड में लिख दिया, और इसके बाद टेलीफोन चार्जेस पे किया 193, मोबाइल चार्जेस 57। अब सबको अकाउंट में लिखा, ध्यान दीजिए आप, मोबाइल चार्जेस अकाउंट, ऑफिस फाइल्स अकाउंट, टिप टू प्यून अकाउंट, अब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, ये सेल करने से हमें पैसा मिला है तो लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे, ठीक है। देन बाय स्वीटी अकाउंट, बाय पैकिंग चार्जेस अकाउंट, बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये सारे एक्सपेंडिचर हम पे करेंगे और इसके बाद आपको इसको क्या करना है, क्लोज करना है। आप देखिए यहाँ पर आपने टोटल लिया, ये दोनों साइड में से ये टोटल ज्यादा है, इसमें से जो आपका टोटल एक्सपेंसेस आपने माइनस किया और ये जो आपका बैलेंस बचा इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बहुत ही सिंपल था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। नाउ सेकंड टाइप इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक, या उसे हम कहते हैं कॉलमनर पेटी कैश बुक। ये जनरल हमारे कैश बुक जो हमने सिंपल देखा उससे बड़ा होता है, इसमें हम 6 to 7 एक्स्ट्रा कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं, हम सेग्रीगेट करते हैं सारे एक्सपेंडिचर्स को और उसका टोटल अलग से लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हुआ, ट्रैवलिंग चार्जेस कितना हुआ, मोबाइल बिल एक्सपेंसेस कितना हुआ। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमें पता चलता है कि कौन सा एक्सपेंस ज्यादा होता है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है। अब इसके अंदर एक सिस्टम होता है इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। व्हाट इज इंप्रेस्ड सिस्टम, इंप्रेस्ड सिस्टम जो अभी अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल हमने आपको 1000 रुपीज दे दिए, कितने दे दिए 1000, और पूरा मंथ आपको 1000 रुपीज में चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल आपका मंथ एंड में 800 रुपीज स्पेंट हुआ तो आपके पास कितना बचा, पेटी कैशियर के पास बचा 200, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिया था 1 जनवरी को, बराबर है, और ये आपके पास बचा है 31 जनवरी को। तो हम क्या करेंगे, इसमें 800 रुपीज नेक्स्ट मंथ में ऐड कर देंगे, कभी 1 फेब को, 1
फैब को 800 ऐड कर देंगे ताकि आपके पास फिर से कितना हो जाए 1000, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डे, मंथ का जो फर्स्ट डे होगा ना, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यू मस्ट हैव 1000 एज अ बैलेंस। तो इसको हम बोलते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंप्रेस्ड सिस्टम। सो मेंटेनिंग पेटी कैश बुक अंडर इंप्रेस्ड सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। अंडर इंप्रेस सिस्टम एस्टिमेट इज मेड फॉर पेटी एक्सपेंस। एक हम छोटा एस्टिमेट ले लेते हैं कि इस महीने का कितना खर्चा होगा, है ना। से फॉर एग्जाम्पल 1000 हमने सोचा है। फॉर अ सर्टन पीरियड सच अमाउंट इज पेड टू पेटी कैशियर टू स्टार्ट विथ। हम उसको स्टार्टिंग में इतना अमाउंट दे देते हैं कि हमें लगता है ये मंथ में इतना खर्चा होगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही प्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय हिम। तो वो बताता है कि उसने कहां कहां पर खर्च किए, कितना पेमेंट किया है टू द हेड कैशियर। वो एक अकाउंट बना लेता है। After checking the accounts, the petty cashier will be given a sum equal to the amount actually spent. तो उसने जितना खर्चा किया, for example 800 rupees खर्च किया था, तो हम उसे 800 rupees दे देंगे। Now the petty cashier will start with the same amount that he had at the beginning of the previous period. तो उसका last month में जो first day का उसका balance था, वो फिर से हम वो balance create करके देंगे, that is rupees 1000. ये 1000 मैंने example लिया हुआ है। The system is known as impressed system of petty cash book. इसी सिस्टम को impressed system कहा जाता है, ठीक है? तो ultimately impressed system बोलने का मतलब क्या है? अगर आपको ये नहीं दिया जाए कि कैशियर ने कितना पैसा दिया था, तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये आपको इस फॉर्म में जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, सो दिस इज योर पर्टिकुलर फॉर्मेट। इफ यू कैन सी एट हेडिंग में लिखा है फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। और सबसे पहला जो कॉलम आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, इट इज व्हाट? अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद कैश बुक फोलियो आपको मेंशन करना है, देन यू विल पुट डेट, उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट। इतने कॉलम तो हम सिंपल कॉलम क्या जो सिंपल पेटी कैश बुक था उसमें भी प्रिपेयर करते थे। एक्स्ट्रा क्या बनाना है? एक्स्ट्रा बनाना है ये कुछ 6 to 7 कॉलम्स, दैट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरियज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, देन लेजर फोलियो और लास्ट में लेजर अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ 5 to 6 कॉलम्स हैं जो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो डबल बार मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप एक बार लिखते हैं कि ये पोस्टेज का खर्चा है, तो यू विल राइट बाय पोस्टेज अकाउंट। तो फिर आप एक बार उसको टोटल अमाउंट में शो करेंगे और फिर दूसरी बार उसको आप पोस्टेज में, मतलब वही सेम अमाउंट आपको दो कॉलम में मेंशन करना है। और ये एट द एंड क्या होगा, आप ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल लेकर के देखेंगे कौन सा एक्सपेंसेस कितना होता है टोटल बेसिस पे, ओके। सो दिस इज द वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो हमारे सामने सबसे पहले इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन को हम देखेंगे। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर सौरभ द पेटी कैशियर ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर रिसीव्ड रुपीज 8000। अभी इनिशियली फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1 June 2019 को उसको कितना मिला? 8000 रुपीज मिला। कहां से मिला? हेड कैशियर से मिला। डिटेल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर द मंथ आर एज फॉलोस। और उन्होंने जो खर्चा किया है पूरे मंथ के जून मंथ में वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑटो फेयर है, कुरियर एक्सपेंसेस है, पोस्टल एक्सपेंस। अब हमको इसको क्या करना है, फॉर्मेट बना करके डिवाइड करना है कौन सा एक्सपेंस आप कहां पर लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट रेडी कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से एक एक करके आपको उसका आंसर्स मेंशन करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, आप भी अपने नोटबुक में इसका फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो प्रॉपर सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ अस, एज यू कैन सी यहां पर सबसे पहले हमें दे दिया है सौरभ
के लिए पेटी कैश बुक और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 8,000 रुपीज हमें मिले हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वहां पर क्या लिखेंगे, वी विल राइट, पर्टिकुलर में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और रिसीट साइड में आपको मेंशन करना है 8,000। गेटिंग दिस पॉइंट, ये 8,000 आपको अभी मिला है। अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, 3 जून को कुरियर एक्सपेंसेस हमने पे किया 60 रुपीज। तो आप जो यहाँ पर कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, आपको कॉलम यहाँ पर बनाना है कुरियर एंड पोस्टेज, और आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कुरियर एक्सपेंसेस कितना 60 रुपीज, और कुरियर में आप जाकर के लिखेंगे 60, ठीक है। आई थिंक हमने ये ऑटो फेयर छोड़ दिया था, ऑटो फेयर भी हम लेंगे। तो ऑटो फेयर जो है 1 जून को हमने 255 रुपीज पे किया है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर 1 जून बाय ऑटो फेयर टोटल में 255 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कितना लिया है 255। तो यहाँ पर जो हम लोग ने कॉलम प्रिपेयर किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है कौन से कॉलम में फिट बैठता है वहां पर भी आपको अमाउंट मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप कॉलम देख लीजिए, पहला है कुरियर एंड पोस्टेज, दूसरा है टेलीफोन एक्सपेंसेस, तीसरा है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, चौथा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पांचवा है मिसेलेनियस एक्सपेंसेस। मिसेलेनियस एक्सपेंसेस मतलब बहुत छोटा एक्सपेंस है या उसको इन किसी कैटेगरी में हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो एक्सपेंस होगा वो हम मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर में या सन्ड्री एक्सपेंसेस इसको हम नाम दे सकते हैं उसमें पुट कर देंगे। और लास्ट में जो हम लेजर, जो जर्नल प्रॉपर हम बनाते थे, जर्नल प्रॉपर के अंदर जो आइटम जाता था वो यहाँ पर हम लेजर में पुट करेंगे। सपोज ऑफिस के लिए हमने छोटा सा फर्नीचर ले लिया 500 रुपीज का, तो ये बाकी कॉलम में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, लेजर में जाएगा, है ना। छोटा मोटा आपने असेट परचेस कर लिया जो बाकी कॉलम में नहीं जा पा रहा है उसको हम लेजर के कॉलम में पुट करेंगे। सो इसी तरीके से नेक्स्ट इज नंबर 4th जून पे देखिए पोस्टल स्टैंप है कितना है 210। तो आपने यहाँ पे लिखा बाय पोस्टल स्टैंप 4th जून एंड अकॉर्डिंगली 210 पहले टोटल के कॉलम में लिखा और फिर उसको आपने कुरियर एंड पोस्टेज इसमें पुट कर दिया, इस कॉलम में पुट कर दिया। नेक्स्ट इरेजर पेन पेंसिल परचेज, तो ये क्या स्टेशनरी है ना, तो 5th जून को 525 रुपीज का स्टेशनरी आपने परचेस किया, तो आप उसको स्टेशनरी कॉलम में डाल सकते हो। विच कॉलम, स्टेशनरी कॉलम। तो आपने यहाँ पर लिखा बाय इरेजर पेन पेंसिल 525 और अलग से हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कॉलम बनाया हुआ है वहां पर हमने 525 मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो स्पीड पोस्ट चार्जेस अकाउंट आप बना देंगे 198 और ये कौन से कॉलम में जाएगा, पोस्टल स्टैंप एंड कुरियर, ठीक है ना, कुरियर एंड पोस्टेजेस उसमें आप इसको पुट कर सकते हैं 198। तो यहां पर देखिए 6th जून बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस टोटल कॉलम में आपने लिखा 198 और कुरियर एंड पोस्टेजेस में 198 आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट है टैक्सी फेयर। अब टैक्सी फेयर कहां जाना चाहिए, ट्रैवलिंग में जाना चाहिए, तो टोटल के कॉलम में आप 390 लिखेंगे और ट्रैवलिंग में आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो आपने यहाँ पर लिखा 8th जून को टैक्सी फेयर टोटल के कॉलम में 390 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 390। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट क्या होता है, हमने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा लिए अपने ऑफिस स्टाफ के लिए तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस में जाते हैं, टी एक्सपेंसेस हो गया, कुछ नाश्ता मंगा लिया हम लोग ने, है ना। तो 850 रुपीज का रिफ्रेशमेंट चार्जेस हो गया है, तो इसको हम कौन से कॉलम में पुट कर सकते हैं, अगर उसके लिए कोई कॉलम नहीं है हमें देखना पड़ेगा, क्या उसके लिए कोई कॉलम है, नहीं है, तो उसको कहाँ पुट करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या सन्ड्री एक्सपेंसेस कॉलम हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए रिफ्रेशमेंट को हमने टोटल कॉलम में भी लिखा है और अलग से मिसलेनियस एक्सपेंस में शो किया है क्योंकि वो और किसी कॉलम में फिट बैठता नहीं है। नेक्स्ट ऑटो फेयर, अगेन ऑटो फेयर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में पुट करेंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, अगेन इसको कौन से कॉलम में जाना चाहिए, कुरियर एंड पोस्टेजेस,
फाइल परचेस, फाइल परचेस कहाँ जाना चाहिए बोलिए, स्टेशनरी में। तो देखिए आंसर आपने यहाँ पे लिखा 13th में बाय फाइल्स है ना 45, और आपने कहाँ डाल दिया इसको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 45, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेज, कार्टेज क्या होता है, जो आप प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग मशीन में एक इंक का स्ट्रिप होता है, एक मशीन होता है जिसके अंदर आपको इंक फिल करना होता है, इसको बोलते हैं हम कार्टेज। तो ये भी स्टेशनरी का पार्ट हो गया, 65 रुपीज हमने पे किया है, तो हम इसको पहले टोटल कॉलम में 65 लिखेंगे, और हम स्टेशनरी में इसको पुट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं लगता है तो आप उसको मिसलेनियस में डाल सकते हो, ठीक है। बट इट इज बेसिकली ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी में, क्योंकि प्रिंटिंग हमारा जो रेगुलर कार्टेज यूज होता है वो प्रिंटिंग के लिए होता है, बराबर है। नेक्स्ट कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस्ड, कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस्ड 1650। आपने देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का जो भी स्टेशनरी है आपने पहले टोटल के कॉलम में लिखा और फिर उसको स्टेशनरी के कॉलम में पुट कर दिया 1650। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, बस फेयर, बस फेयर अगेन किसमें जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। मोबाइल चार्जेस, मोबाइल चार्जेस देखिए किसमें पुट किया गया है। सो पहले बस फेयर देखिए आपने प्रॉपर ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, और मोबाइल फेयर कितना है, मोबाइल चार्जेस है 270। तो मोबाइल के लिए इसमें अलग से कोई है नहीं। अभी देखिए ये जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो इसमें अगर आप चाहते तो मोबाइल चार्जेस को डाल सकते थे, बट टेलीफोन और मोबाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसके लिए इन्होंने मोबाइल को कहाँ डाल दिया है, मिसेलेनियस में डाल दिया। अगर आपने इसको टेलीफोन एक्सपेंसेस में डाला होता तो भी रॉन्ग नहीं होता था, राइट। तो कौन से कॉलम में जाएगा, जहां पर कुछ भी थोड़ा भी डाउट है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको सन्डरी में डाल दीजिए, मिसलेनियस में डाल दीजिए। नेक्स्ट है ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस पेड 160 रुपीज। अगेन ये इसके लिए भी क्या है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के अलग से अगर हम लोग ने कॉलम बनाया होगा तो उसमें डालेंगे, और नहीं बनाया है तो कहाँ चला जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, ठीक है। देन अगेन रिफ्रेशमेंट, यू ऑलरेडी नो 450 मिसलेनियस में जाएगा। फोटोकॉपी चार्जेस कहाँ चला जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कुरियर एक्सपेंसेस, तो फर्स्ट कॉलम कुरियर एंड पोस्टेजेस। अनलोडिंग चार्जेस 170, तो देखिए अनलोडिंग चार्जेस कहाँ गया है, 170 आपने टोटल के कॉलम में लिखा और फिर उसको मिसलेनियस में लिख दिया, क्योंकि उसके लिए और कोई कॉलम में जगह नहीं है। लास्ट में बस फेयर कहाँ जाएगा, बस फेयर विल गो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे सम को टोटल में भी लिखा है और उसके अलग अलग एक्सपेंडिचर में भी मार्क किया है। तो हम क्या करते हैं, सेपरेटली हर एक कॉलम का अलग से टोटल हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना आया, 750 कुरियर का। टेलीफोन एक्सपेंस कितना आया, 270, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कितना आया, 1345। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2220। मिसलेनियस देखिए 1965, ऐसा हमने टोटल ले लिया, और बाकी सब आपको सेम करना है। आपने टोटल यहाँ पर लिया 8000 में से 6550 माइनस किया और आपके पास जो बैलेंस बचा है 1450। जितना पैसा आपका खर्च हुआ है नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डे पे आपको जो हेड कैशियर है 1450 पे करेगा, ठीक है। यही बैलेंस हमको मेंशन करना है। अभी देखिए उसी पेटी कैशबुक से यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला गया है और जर्नल से हमें प्रिपेयर करना है लेजर। तो सबसे पहला हमें 8000 रुपीज हेड कैशियर से मिला था, तो हेड कैशियर के पास से पैसा जा रहा है और पेटी कैशियर के पास पैसा आ रहा है ना। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हेड कैशियर के पास से पैसा गया और पेटी कैशियर के पास पैसा आया, तो ये एंट्री पास करेंगे। इसके अलावा जो जो एक्सपेंसेस है वो सब डेबिट किया जाएगा टू पेटी कैश, है ना। पेटी कैशियर से 6550 गया। तो लास्ट में यहां पर कितना पैसा बचा है, 1450 रुपीज बचा है। आप देखेंगे पेटी कैश अकाउंट है, यहां पर डेबिट साइड में टू कैश 8000 है जितना हमारे पास इनिशियली था, और लास्ट में हमने 6550 रुपीज क्या किया, खर्च किया, और उसमें से 1450 बचा हुआ है।
सो हम सेपरेटली कुरियर का कितना हुआ है लेजर बना सकते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जर्नल और लेजर बनाना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। लेकिन एग्जाम में सिर्फ कहा गया है कि आप पेटी कैश बनाइए, तो सिर्फ पेटी कैश ही आपको बनाना है। सो यहां पर एक्सरसाइज नंबर 4 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने यहां पर फॉर्मेट बनाया है, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट, ये आप बुक के वन साइड में लिखेंगे क्योंकि आपकी बुक थोड़ी सी छोटी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जितना मैंने अभी लिखा हुआ है उतना अगर आपको मेंशन करना है तो आपका जो बुक का वन पेज है, आप अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और टोटल, ये एक पेज पे लिखिए, और रेस्ट ऑफ द जो कॉलम है 6 to 7 कॉलम्स आप दूसरे पेज पर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ में आप भी बनाइए। अब टोटल कॉलम के बाद कौन से 5 to 6 कॉलम्स हम बनाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स ऐसे मैंने रखने हैं, और एक कॉलम तो किसका आ जाएगा, लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो के पहले आप सन्ड्री एक्सपेंस लिख सकते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये कॉलम आपका फिक्स रहता है। देन यू मे गो फॉर लेजर फोलियो एंड एट द लास्ट डायरेक्टली लेजर, ठीक है। तो ये कॉलम आपके बने रहेंगे यहां पर। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो 6 कॉलम्स आपने लीव किए हैं उसके अंदर क्या क्या पुट करना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा मेंशन किए गए। तो आप देखिए क्या क्या एक्सपेंसेस है, पेड कैरिएज, टेलीफोन चार्जेस, बस फेयर, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय, कुरियर चार्जेस। तो मैं एक समझ सकता हूँ कुरियर एंड पोस्टेजेस ये तो आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ टेलीफोन चार्जेस भी एक एक्सपेंस है इसके अंदर, कार्टेज है, टैक्सी फेयर है, तो ट्रैवलिंग भी आना चाहिए। तो एक एक करके हम यहाँ पर लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुरियर एंड पोस्टेजेस, कुरियर एंड पोस्टेजेस। तो ये कॉलम मैंने एक सिलेक्ट किया। आफ्टर दैट आई कैन टेक टेलीफोन चार्जेस, आफ्टर टेलीफोन चार्जेस व्हाट वी कैन टेक, बस फेयर है सो यू कैन टेक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कार्टेज अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये एक ही मेंशन किया गया है। फिर जेरोक्स चार्जेस वगैरह है तो आप ले सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू मोर कॉलम्स टू गो। रिपेयर्स है, क्लीनिंग है, तो आप यहाँ पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या क्लीनिंग भी ले सकते हैं, रिपेयर्स, क्लीनिंग, ठीक है। तो अब हमारा जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इसमें फिट बैठेगा हम इसमें रखेंगे।
जो फिट नहीं बैठेगा उसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? मिसलेनियस में। गॉट दिस पॉइंट? क्या इसको इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा आपका सम का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये आप 5 to 6 कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो आइए बाकी का मैं कॉलम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो आई एम रेडी विद द फॉर्मेट नाउ। सबसे पहले किसका बुक हम चेक करेंगे? क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है? यस, दिया हुआ है, स्वराली जर्नल स्टोर। तो हम यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे देंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन द हेडिंग वी विल पुट इन द बुक्स ऑफ स्वराली जर्नल स्टोर्स। ठीक है, और आपको लिखना है पेटी कैश फॉर द मंथ एंडेड। पेटी कैश बुक फॉर दी मंथ एंडेड। कौन से मंथ के लिए है? जनवरी 2018। जनवरी 2018, ठीक है। सो हियर वी गो, हेडिंग हमारी हो गई है, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले आपको कितना पैसा मिला देखिए। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1500 रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर। इम्प्रेस्ड अमाउंट हमें मिल गया, तो अमाउंट रिसीव्ड में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1500 रुपीज। कौन से डेट पे हमें मिला है? सो 1 जनवरी 2018, दिस इज द डेट। What we are going to write to cash account. Cash account. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 जनवरी 2018 टेलीफोन चार्जेस। क्या टेलीफोन चार्जेस का कॉलम है? यस है। सो हियर वी विल मेंशन 2 जनवरी 2018 by telephone charges account। तो सबसे पहले आपको इसको कहां लिखना है? टोटल कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो टोटल कॉलम में कितना आ जाएगा? 40 रुपीज। सॉरी, आई हैव स्टार्टेड विद सेकेंड बट आई हैव टू राइट फर्स्ट वन। पेड कैरेज, कैरेज कार्टेज हमने पे किया यहां पर। I made a mistake. So 1 January 2018 पहले हम कार्टेज पे करेंगे। I will write over here by कार्टेज अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कार्टेज होता है इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, क्योंकि ये प्रिंटिंग में यूज होता है, प्रिंटिंग मशीन में कार्टेज ये यूज होता है। सो टोटल अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपीज, और कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 50 रुपीज। ठीक है, जहां पर कोई वैल्यू नहीं है वहां पर आप डैश डैश ऐसा मार्क कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। चेक द नेक्स्ट वन, 2 जनवरी 2018 बाय
टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट में कितना आ जाएगा, 40 रुपीज। टेलीफोन के लिए सेपरेटली हम लोग ने कॉलम प्रिपेयर किया है, तो 40 रुपीज यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट वन अगेन, सेकेंड जनवरी 2018, बस फेयर है, तो बाय बस फेयर अकाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट 20 रुपीज। बस फेयर क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो 20 रुपीज ट्रैवलिंग में आ जाएगा, लाइक दिस। पोस्टेज 3 जनवरी 2018 बाय पोस्टेज अकाउंट। सो अमाउंट देखिए कितना है, पोस्टेज का 30 रुपीज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम या कुरियर एंड पोस्टेज, इसमें ये हम पुट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारा, 30 रुपीज वहां पर पुट कर देंगे। आफ्टर थर्ड वन, फोर्थ जनवरी 2018, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय, तो आपको लिखना है बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट। सो टोटल इज 80 रुपीज। रिफ्रेशमेंट के लिए आप देखिए, आपने कोई कॉलम नहीं प्रिपेयर किया तो कहाँ चला जाएगा, मिसलेनियस में। अगर आप सेपरेट कॉलम प्रिपेयर करते हो तो उसमें पुट कर दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, 6 जनवरी 2018, वेरी इजी, सॉरी नॉट सिक्स्थ वन, आफ्टर फोर्थ, यस सिक्स्थ वन, कुरियर चार्जेस। सो बाय कुरियर चार्जेस अकाउंट। सो हाउ मच इट इज, 30 रुपीज। सो ये भी फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। एट वन अगेन रिफ्रेशमेंट, तो हम लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट। टोटल कितना है, 50 रुपीज। सो रिफ्रेशमेंट के लिए कोई स्पेशल कॉलम नहीं है, तो हम मिसलेनियस में डाल देंगे। टेंथ कार्टेज, कार्टेज को स्टेशनरी कंसीडर करेंगे। टोटल अमाउंट इज 35 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर कार्टेज, 15th टैक्सी फेयर टू मैनेजर, 15th जनवरी 2018 टैक्सी फेयर, तो आप लिखेंगे बाय टैक्सी फेयर अकाउंट। ठीक है, 70 रुपीज है, कहाँ जाएगा, ट्रैवलिंग में। नेक्स्ट, 18th जनवरी 2018 परचेस्ड स्टेशनरी 65, यू विल राइट बाय स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी में आप मेंशन करेंगे 65। आफ्टर दैट ट्वेंटी बस फेयर, सो 20th जनवरी 2018 बस फेयर अकाउंट। अमाउंट इज 10 रुपीज ओनली, सो ट्रैवलिंग में आप पुट कर दीजिए 10 रुपीज। 22 जेरोक्स चार्जेस, सो यू विल राइट बाय जेरोक्स।
चार्जेस अकाउंट, ₹30, और ये प्रिंटिंग स्टेशनरी में जाएगा 25th जनवरी 2018 बाय इंटरनेट चार्जेस। अब ये इंटरनेट चार्जेस आप कहां पुट कर सकते हैं, यू डोंट नो, तो कहां लेकर जाना चाहिए, मिसलेनियस, ठीक है। सो मिसलेनियस में देखिए, हियर आई विल राइट क्या अमाउंट है, 35। सो मिसलेनियस में आई विल राइट 35 लाइक दिस, ट्वेंटी फिफ्थ के बाद पोस्टेज स्टैंप 27th बाय पोस्टेज स्टैंप अकाउंट अमाउंट 200। तो कुरियर एंड पोस्टेजेस फर्स्ट कॉलम इटसेल्फ। नेक्स्ट 29th बाय रिपेयर ऑन फर्नीचर रिपेयर्स अकाउंट, कितना पे किया आपने रिपेयरिंग का, 105 रुपीज, कहीं नहीं जाएगा तो मिसलेनियस में, लेकिन देखिए हमने रिपेयर का कॉलम एक रिपेयर करके रखा है यहाँ पर, सो वी कैन पुट ओवर देयर 105, सो नो नीड टू पुट इन मिसलेनियस, जिसका डिफाइन करके रखा है उसको मिसलेनियस में रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑन 30 जनवरी 2018 बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस या क्लीनिंग एक्सपेंसेस अकाउंट अमाउंट इज 115, ठीक है। अब क्लीनिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने सेपरेट कॉलम यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 115। लास्ट वन इज मिसलेनियस 31st, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय मिसलेनियस, एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। हाउ मच, 100 रुपीज। मिसलेनियस के लिए तो सेपरेट कॉलम है ही है, यू कैन चेक इट ओवर हियर, मिसलेनियस 100 रुपीज। सो अगेन लेजर में कुछ नहीं आया और हमने ये पर्टिकुलर समझौता वो फिनिश कर दें यहाँ पर। अब इसका टोटलिंग कर देंगे हम लोग, तो चेक दिस आउट, एक एक करके हम यहाँ पर सबसे पहले टोटल ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ था वो कितना हुआ था, 1500। सो आई एम टेकिंग अ टोटल ओवर हियर एज 1500 और इसे डबल अंडरलाइन कर देना है लाइक दिस। सेम वे ये यहाँ के टोटल में भी आ जाएगा, ठीक है, और एक टोटल हमें यहाँ पर भी लेना है। ये क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस, सो टोटल एक्सपेंसेस ये जो टोटल आपने लिया इट इज 1065 1000 and 65। So what you will do, 1500 minus 1065. So what is the balance amount? 435 rupees. तो ये जो 435 rupees है, that you will write by बैलेंस कैरीड डाउन।
लास्ट डे जनवरी का लास्ट डे है, 31 जनवरी 2018, ठीक है। और इसी के साथ आपको बाकी सबका भी क्या कर लेना है, टोटल यहां पर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, और सभी का टोटल ले लेंगे। इसका टोटल है 60, 40, हंड्रेड, हंड्रेड एंड एटी, 105, 115 एंड मिसलिनियस का टोटल है 265। ओके, सो दिस टोटल विल बी एक्चुअली 260, ठीक है। अब इंप्रेस सिस्टम में क्या होता है, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये जो 1065 का एक्सपेंडिचर हुआ, उतना हम नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, डिमांड करेंगे हेड कैशियर से, ठीक है। तो यहाँ पर डेट आ जाएगा 1 फरवरी 2018। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 435 रुपीज। एंड अगेन ऑन द सेम डे हम डिमांड करेंगे, सो वी विल राइट बाय कैश अकाउंट, और कैशियर से कितना लेंगे, 1065, ठीक है। तो ये इंप्रेस सिस्टम में जितना हमने स्पेंड किया है पूरे मंथ में, उतना हमें उसे हेड कैशियर से नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को लेना होता है। व्हाट इज पॉइंट, सो वी आर डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चन ऑफ पेटी कैश बुक, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।